अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा क्विक रिव्यू। हियर इज़ माय अदर वीडियो जो कि है ऑटोमेटिक मशीन्स पे। आज हम करेंगे क्यू एंड ए। तो आप लोगों का इसमें जितने भी आपके सवालात मुझे आए हैं कमेंट्स में, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने हो सके मैं उसके जो है आंसर्स दे सकूँ। सही है। तो लास्ट मैंने वीडियो जो बनाई थी ऑटोमेटिक मशीन पे कि आप विदाउट टैप वाटर अगर आपका कनेक्शन नहीं है या आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो हम किस तरीके से हैक यूज़ करके जो है कपड़े अपने वॉश कर सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। सही है। तो लास्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। और उसी में और उससे पहले वाली वीडियो जो मेरी ऑटोमेटिक मशीन पर आई थी जिसका मैंने रिव्यू भी दिया था, तो उस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसका एक सेशन बना दूं और आपको इस वीडियो के ज़रिए जिस जिसको इस बारे में ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन के बारे में जो कुछ पूछना है इसमें आपके तकरीबन कोशिश मैंने की है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं दे सकूं। सही है। तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन ये आया था कि मैम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कितना पानी यूज़ करती है, एक टप में कितना लीटर पानी आता है। तो सही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाटर लेवल यहाँ पे ख़ुद एडजस्ट करती है। यहाँ पे आप जितना इसमें आप इसमें कपड़े डालेंगे आपके हिसाब से तो ये उतना ही एडजस्ट करेगी। अगर आप कम कपड़े डालेंगे तो वो कम लेगी, अगर आप थोड़े ज़्यादा डालेंगे तो वो 54 से 60 लीटर लेगी, अगर आप थोड़े और ज़्यादा डालेंगे तो वो 65 से 70 लीटर लेगी। ज़्यादातर हम जितने इसमें कपड़े डालते हैं, ये 8.5 केजी की मशीन है मेरी, तो इसमें मैं 8 से 10 कपड़े डाल लेती हूँ तो ये ज़्यादातर 54 से लेकर 60 लीटर तक एडजस्ट करके मेरे कपड़े धो देती है। सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी डू रेगुलरली लाइक दिस इज़ देयर एनी प्रॉब्लम टू मशीन। तो नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। मैं भी अक्सर ऐसा ही करती हूँ जब भी मेरे घर में पानी नहीं आए या किसी वजह से मुझे जल्दी कपड़े धोने हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें जो है इससे जो पानी आता है वो बहुत कभी कभार इतना कम आता है, प्रेशर इतना कम आता है कि बहुत देर लगाती है कपड़ा वॉशिंग मशीन का पानी भरने में। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ, टब से जो है इसमें बकेट से पानी डाल देती हूँ। सही। तो मैं भी ऐसा करती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। सही। तो इससे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सही नहीं होता तो मैं आपको अपनी वीडियो में नहीं बताती। सही है। नेक्स्ट चलें, आपको अब मेरा जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। आपने बताया कि अगर खाली वॉश करना है तो प्रोग्राम में जाके सिर्फ वॉश का बटन दबाइए तो वॉश हो जाएगा कपड़े। मेरा सवाल ये है कि वॉश करने के बाद मशीन जो है पानी कैसे बाहर फेंकेगी। खाली वॉश करने के बाद क्या हम क्विक वॉश सेट कर सकते हैं, मतलब मशीन क्या दोबारा पानी लेगी अगर ऑलरेडी उसमें पानी हो तो। सही है, ये आपका सवाल था। तो इसका सवाल का जवाब ये है कि आपने अगर सिर्फ वॉश किया है, मींस के वॉश का बटन सेट किया है, यहाँ पे जैसे हमने वॉश का बटन प्रोग्राम में जाके सिर्फ हम वॉश करते हैं, वेट इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा स्टॉप करके। सही है। अब मैं इस पर प्रोग्राम पे आऊँगी, अब मैं नॉर्मल नहीं कर रही, अब मैं सिर्फ वॉश कर रही हूँ, वॉश कर रही हूँ कपड़े और मैं कुछ नहीं कर रही इसमें। तो ये मैंने वॉश करा है। अगर आपके वॉश हो जाएंगे कपड़े उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद भी बच के बंद हो जाएगी, इसका पानी ड्रेन नहीं होगा, पानी इसी में रहेगा। अब अगर जो चाहते हैं कुछ लेडीज़ होती हैं और कई लोगों के मुझे क्वेश्चंस आए क्या हम उस सर्फ़ के पानी में और कपड़े वॉश कर सकते हैं, तो आपको करना ये होगा कि इसमें से सारे कपड़े जो है निकालने पड़ेंगे और फिर उसके बाद दूसरे कपड़े डालें इसमें वॉश करें। सही है। तो इसमें आप रिंस नहीं कर सकते, स्पिन नहीं कर सकते। सही है। सिर्फ वॉश होंगे, वॉश की बात कर रही हूँ मैं। सही। तो वॉश कर सकते हैं और अगर आपका सर्फ अच्छा है, साफ़ है, आपको लगता है कि मैं आगे इसमें और कंटिन्यू कर सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, तो आप वॉश करके कपड़े निकाल लें, फिर देन और कपड़े जो हैं इसमें डाल के आप वॉश कर सकती हैं। अच्छा, तो इस एक और सवाल इन्होंने ये भी पूछा है कि वॉश करने का क्या इसमें पानी जो है निकल जाता है। पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा, पानी इसी में ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपने वॉश कर लिया, अब आप इसमें रिंस नहीं करना चाहती, मीन्स कपड़े खंगालना नहीं चाहती, धोना नहीं चाहती, तो अब आपको करना ये होगा कि इसमें प्रोग्राम में जाके वो बंद हो जाएगी, वॉश करके बंद हो जाएगी, पानी इसी में रहेगा। सही। अब वॉश करने के बाद आपको स्पिन पे आ जाएं। सही। स्पिन का सेलेक्ट करें, ये जो है आपका पानी भी सारा निकाल देगी,
और उसके बाद स्पिन भी कर देगी, फिर आप जो है उसमें से सारा स्पिन करके जो आपका सर्फ है वो निकाल देगी। अगर आप नहीं इसमें रिंस करना चाहते तो आप जो है जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं बकेट में जो है कपड़े खंगालते हैं, उस तरीके से आप कपड़े खंगाल सकते हैं। सही, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस क्वेश्चन का तफसील से जवाब मिल गया होगा। चलें तो एक और सवाल के पास चले आते हैं। इन्होंने एक सवाल ये किया कि इसमें वाटर का क्या कनेक्शन देना पड़ता है। जी, इसके बगैर ऑटोमेटिक मशीन चल ही नहीं सकती। इसमें जो है वाटर का कनेक्शन इस तरीके से दिया जाता है और वो नल जाके आप लोगों को लगाना है। इसका जो ये पाइप है वो पाइप आपको जाके लगाना है नल में, टैप कनेक्शन में। सही है, तो वो ये खुद ही जो है पानी लेगी और निकालेगी, ड्रेन करेगी जो भी। सही, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें कंबल धुल जाता है, मींस ब्लैंकेट बोलना चाह रही हैं ये कि ब्लैंकेट धुल जाती है। नहीं, इसमें जो भारी जैसे कि बहुत मोटी मोटी बड़ी भारी जो ब्लैंकेट्स होती हैं वो नहीं धुल सकती। हाँ, लाइट वेटेड ज़रूर धुल सकती हैं। उसमें एक आप कंबल जो है लाइट वेटेड जो होती हैं वो आप इसमें धो सकते हैं। सही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अच्छा, ये मशीन जो है घूमती बहुत स्लो है वॉश करते हुए कपड़े, तो मशीन जो है ये वाली टाइम लेती है। ये है इसमें मशीन टाइम लेगी। अगर आपका प्रेशर जो है पानी का, यहाँ से जो कनेक्शन, ये जो पानी यहाँ से निकलता है, अगर इसका कनेक्शन जो है स्लो होगा, सही है, स्लो होगा मींस कि पानी आपका कम आ रहा है, आपकी टैंकी जो है टैंकी का पानी जो स्लो आ रहा है, तो इसमें जो है पानी देर से भरेगा और फिर ये स्लो हो जाती है। जाहिर सी बात है, वो जब तक पानी वो फिल्टर जो है यहाँ तक नहीं भरेगा तो वो किस तरीके से पानी वो स्टार्ट करेगी ऑटोमेटिक मशीन। तो आप लोग करा ये करें अगर आपको जल्दी है। मैंने इसीलिए लास्ट टाइम की वीडियो मेरी ज़रूर देखें, वॉच करें, उसमें मैंने इसीलिए बताया अगर आपको जल्दी है कपड़े धोने। सही है, तो आप जो है टप से जो है यहाँ तक, ये जो फिल्टर है यहाँ तक जो है आप यहाँ तक पानी जो है भर लिया करें। सही, पानी भर लेंगी तो इससे क्या है कि जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाएंगे आपके, वॉश हो जाएंगे। सही, उम्मीद है कि आपको मेरी क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगर 851708 में सिर्फ वॉश टाइम लगाएं तो क्या वॉश टाइम के एंड पे सर्फ ड्रेन आउट कर देती है या रुक जाती है, और क्या उस सर्फ में मजीद कपड़े डाल सकते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उसको भी क्लियर कर दिया था कि आप उसमें सर्फ जो है और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें और कपड़े धोना, तो वॉश करने के बाद वो कपड़े सारे निकाल लें और उसके बाद उसमें और मजीद कपड़े आप डाल के उसमें जो है वॉश कर सकते हैं। मगर आप इसमें रिंस और स्पिन नहीं करना चाहते, सही, इसे वॉश होंगे, वॉश करके वो कपड़े निकाल लें, फिर उसके बाद वही दूसरे कपड़े आप और डालें और उसमें वो वॉश कर लें। और ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर रिंस भी करना चाहते हैं उन कपड़ों को तो फिर से आपको वॉश करके, रिंस करके स्पिन करना ज़रूर पड़ेगा। सही है, सिर्फ वॉश की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिर्फ वॉश करके आप कपड़े निकाल लें तो फिर उसके बाद फिर और कपड़े डालें और वो भी वॉश करके निकाल लें। सही है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी बोलूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास। मेरी कोशिश ये है कि इस वाली वीडियो में जो है तकरीबन मैं क्वेश्चन जो है आपके उनके तमाम आंसर्स दे दूं, वरना बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इंशाल्लाह, वरना नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा एक सवाल है, प्लीज़ आंसर। मशीन के साथ टैप तो कनेक्टेड है लेकिन गर्मियों में तो गीज़र बंद होता है, तो फिर सिर्फ गर्म पानी यूज़ करने के लिए कैसे करें। कपड़े धोने के लिए गर्म पानी बाल्टी से डालें और फिर रिंस के लिए मशीन टैप यूज़ करें। तो जी, आप वॉश के लिए गर्म पानी बाल्टी से डालें, जहाँ तक ब्लू फिल्टर है, सही, वहाँ तक भी आप डाल के उसके बाद जो है आप रिंस के लिए जो है टैप वाटर यूज़ कर सकती हैं। तो आप इजीली जो है बकेट से, मैंने आपको बताया था, इसमें गर्म पानी जो है आप डाल के, जैसे आप ठंडा पानी डालें वैसे आप बकेट से गर्म पानी डाल लें अगर आपका गीज़र नहीं चल रहा, तो अगर या कनेक्शन नहीं है या गीज़र किसी वजह से नहीं चल रहा और आप चाहती हैं कि क्या हैं गर्म पानी इसमें यूज़ करना, तो आप उसी तरीके से, लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बताया, ठंडा पानी के बजाय नीम गर्म पानी, ज़्यादा गर्म मत डालिएगा, मशीन आपकी ख़राब हो सकती है। बिल्कुल मामूली सा गर्म पानी आप डाल के जो है बकेट से वॉश कर सकती हैं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने इसी मॉडल पर ख़ुद से टाइम लगाना है वॉश का, स्पिन का, वो कैसे लगाऊं। तो प्लीज़ इसमें जो है टाइम फिक्स है। सही है, इसमें हम जो है ख़ुद से टाइम नहीं लगा सकते इस मशीन में। ये एक क्या बोलूँ कि जो मुझे कमी लगी इस मशीन में, ये मैं कह सकती हूँ कि इसमें जो है टाइम नहीं आप
लगा सकते हैं। इन्होंने जो फिक्स टाइम दिया हुआ है हर एक, मतलब उसका बटन का जो मैं दिखा देती हूँ प्रोग्राम में जाके देखें, हर एक नॉर्मल का इनका अलग टाइम है, हैवी का अलग टाइम है, डेलिकेट का और क्विक का, सही, क्विक का अलग टाइम है। तो दोनों जो है सबके टाइमिंग जो है उन्होंने अपने अलग अलग किए हैं, यहाँ तक कि वॉश भी अगर आपको करना है तो वॉश का भी अपना टाइम है। इसमें हम कोई भी टाइम जो है अपना सेट नहीं कर सकते, सही है। और इसके अलावा वाटर लेवल भी ये खुद ही एडजस्ट करता है पानी के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत से सारे क्वेश्चंस हैं तो वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसी तरीके से मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।